कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। सुप्रभात अखिलेश साठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स के टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज 13 मई 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम राशिफल, कृषि जीन्स, शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन शुभ रह सकता है, मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरह इशारा कर रही है, 2 से 3 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिन संभव से आपके लिए आज मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है, 1 से 2 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। जी अखिलेश जी, जैसे कर्नल अजय जी बात करें, अगर कृषि फसलों की कमोडिटी बाजार में, तो हमने कल के कारोबारी सत्र में गुरुवार के दिन मसालों में यहाँ पर हल्की बढ़त बनते देखी थी, तो हमने जीरा हो गया, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, तीनों में ही कल को अच्छी तेजी आती थी। अभी भी देख रहे हैं कि जैसे जीरा है तो जीरा भी ठीक ठाक सपोर्ट लेवल्स पर ही है, तो ज्योतिष के आधार पर आज जीरे में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आपको याद होगा कल भी हमने मसाला पैक के ऊपर तेजी की बात कही थी और हल्दी के ऊपर भी आपको पूरा विवरण देने का प्रयास किया था कि बाजार की स्थिति क्या कहती है और साथ में एनालिसिस क्या करता है। भारतीय सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय विश्लेषण पद्धति के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीरे के अंदर एक अच्छा सपोर्ट हासिल हो चुका है और इसके अंदर तेजी आज बने रहने की संभावना है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो पिछले 3 महीने के अंदर जीरे ने अच्छी मूवमेंट की है, साथ साथ धनिया ने भी शानदार मूवमेंट की है और ये जीरा 12 से 13 हजार से 22 हजार की तरफ अग्रसर हुआ है और धनिया जो है 65-68 सौ से 13 हजार की ओर अग्रसर हुआ है। ये जो एक लंबी छलांग जो पिछले 3 महीने में लगाई है, इसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने 3 महीने पहले भी आपको लगातार ये दिया था कि इसके अंदर तेजी बन सकती है और उसकी प्रमुख वजह ये थी जीरा की कि जो राजस्थान और गुजरात जो जीरे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, वहां पर जीरे की पैदावार इस साल काफी कम बताई जा रही है और मौसम भी प्रतिकूल रहा था जिससे जीरे की फसलों को फर्क पड़ा। लेकिन जीरे ने बीच बीच के अंदर निर्यात के ऊपर, क्योंकि ऊंचे दामों के वजह से चाइना जो उसका जीरे का प्रमुख आयातक देश है, वो तेज कीमतों के वजह से कई बार पॉज लगा जाता है और जरूरत के मुताबिक ही खरीदता है, तो इस वक्त थोड़ा सा परेशानियां होती हैं। और लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा ये रहती है कि क्योंकि जीरे के अंदर पिछले 4-5 साल से लोगों को काफी, किसानों और व्यापारियों को लाभ नहीं था और यही वजह थी कि फसलों का डाइवर्जन हुआ और जीरे की पैदावार, बिजाई भी कम हुई और उसकी पैदावार भी कम हुई और यही वजह है कि जीरा इस बार अच्छा मुनाफा दे रहा है। सेम चीज हल्दी के अंदर भी थी जो हमने आपको कल पिछले सिलसिलेवार आपको डिटेल बताई थी, तो जीरे के अंदर आज तेजी रह सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जीरे के अंदर अच्छी तेजी बन चुकी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अब बहुत बड़ी तेजी बाकी है या फिर ऊंचे के स्तर पर माल बिकवा लेना, बेच लेना चाहिए, इसका विशेष हम लोग एपिसोड करेंगे मार्केट टाइम्स टीवी पर आने वाले कुछ दिनों में। तो दर्शकों, आपसे यही निवेदन है कि आप हर रोज कोई भी एपिसोड मिस ना करें, हर रोज आपको कुछ ना कुछ हम लोग कृषि जिनसों में महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, यहीं से कर्नल अजय जी ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में क्या संभावना है आज ज्योतिष के आसार पर? देखिए, गवार सीड भी लगातार, आपने कल एक विशेष प्रश्न पूछा था गवार सीड का, तो हम एक बार पुनः मैं यही कहता हूं कि गवार सीड के फंडामेंटल ठीक हैं। कल भी नीचे जाके एकदम से शानदार बाउंस बैक किया था और शानदार मोमेंट जीरे के, धनिया के साथ में दिया था। आज भी मुझे लगता है कि गवार सीड में हैरान परेशान की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आज तेजी बने रहने की संभावना इंटरडे में बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, मोटे अनाजों में क्या लगता है आपको, जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया? गेहूं में तो खैर हम देख ही रहे हैं कि निर्यात मांग के चलते जोरदार तेजी है, तो मोटे अनाजों में कुल मिलाकर स्पेशली गेहूं और बाजरा में अब क्या संभावनाएं हैं?
गेहूं पर याद होगा अखिलेश जी, जब गेहूं का फसल आने से पहले हमने चर्चा की थी कि वीट में इस बार मुझे अच्छी तेजी दिख रही है, उस वक्त काफी दर्शकों ने कुछ कमेंट्स भी किए थे कि इस बार फसल शानदार है और सरकार एमएसपी से जो माल है, और उस टाइम जब 5 राज्य भी थे, आपको याद हो कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे की सुखबुगाट थी यूपी और मुसलिक है, उस वक्त हमने यही कहा था कि शानदार मूवमेंट बनेगी जैसे ही ये चुनाव समाप्त होंगे, चुनाव के बाद में गेहूं की अच्छी मूवमेंट बनने की संभावना बनती है। और उस देखिए कि उसके बाद रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी और उसका पूरा पूरा असर भारतीय निर्यातकों को, किसानों को और व्यापारियों को मिला, और भारत सरकार ने भी 444 लाख टन जो गेहूं की प्रिक्योरमेंट एमएसपी पे करनी थी वो भी किसानों ने सरकार को माल नहीं दिया। पिछली बार सोयाबीन नहीं दी थी, सरसों नहीं दी थी, इस बार गेहूं भी शामिल हो रहा है, तो गेहूं भी किसान नहीं दे रहे हैं, तो सरकार के पास बहुत अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं किसी और चीज में। तो गेहूं में इस बार खबर निकल के आ रही है कि सरकार लगभग 2 लाख टन भी शायद प्रिक्योर नहीं कर पाएगी, 185 की ही प्रिक्योरमेंट हो, और गेहूं के जो दाम है पीछे लगातार तेजी दिखाई दे रहे हैं कि जो बंदरगाहों पे जबरदस्त माल पहुंच रहा है और जून तक के कॉन्ट्रैक्ट निर्यातकों के पास वीट एक्सपोर्ट के हैं, और गेहूं के अंदर जो भाव निकल के आ रहा है वो 2525 तक बढ़ गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये 360 से 370 डॉलर के आसपास हो गया है, और गेहूं के अंदर 25-30 रुपए की अच्छी तेजी बन चुकी है। अब सवाल रहा मक्का का, मक्का के अंदर भी आप देखें कि जो बाजरा और मक्के की जो खजाता का सवाल है, मक्का के अंदर बांग्लादेश, नेपाल और बिहार को मक्का का एक्सपोर्ट हो रहा है, और आवक बढ़ने के बावजूद भी मक्के में पिछले सप्ताह के दौरान 100 रुपए की क्विंटल की तेजी दर्ज हो रही है, इसका पूरा अनुमान हमने आपको पहले भी दिया था। मंडियों में जो कीमत है मक्के की इसपे मॉइस्चर के हिसाब से है, और ये 2150 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रही है, गोदाम पहुंच सकते तो ये और 25 रुपए बढ़कर 2250 रुपए तक का व्यापार देखा जा रहा है। और ये भी सवाल है कि घरेलू और निर्यात मांगों में लगातार अच्छी मूवमेंट की वजह से मक्का के अंदर मूवमेंट है, तो और फिर आप तीसरा सवाल आपने बाजरा के ऊपर पूछा था कि बाजरे का स्टॉक जैसे आपने बताया कि मंडियों में लगातार कम हो रहा है और कई जगह समाप्त होने की भी सूचना मिल रही है, अराइवल बाजरा की लगभग खत्म सी हो रही है, और गेहूं और मक्की में तेजी आने का असर बाजरे की बिक्री और उसके ऊपर भी पड़ रहा है, और इसमें भी 25-30 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तेज बताया जा रहा है। और गौरतलब है कि बाजरे की नजदीक में कोई फसल आने वाली नहीं है, तो इसके तहत बाजरा तेज है, और बाजरा 1700-1800 रुपए का बाजरा अब आप देखें ये 2325 के आसपास बिक रहा है, और तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजरा, गेहूं और मक्का, ये तीनों मोटे अनाजों ने इस बार किसानों को मालामाल किया है, और हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह किसानों को और व्यापारियों को अद्भुत लाभ हुआ है, इसका कोई दोराय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि इतने अच्छे मुनाफे के बाद क्या माल बेच लेना चाहिए या फिर और बड़ी तेजी का इंतजार करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि तेजी की तो हमने बात की थी जो 2 से 3 महीने पहले, और वो तेजी बाजारों में देखने को मिल भी गई है। अब आगे की तेजी और मंदी का विश्लेषण हम लोग अगले एपिसोड्स के अंदर करने का प्रयास करेंगे, पूरा एक स्पेशल एपिसोड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुल मिला के बाजार अभी 1-2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, कन्हैया जी यहाँ से चीनी की बात की जाए तो चीनी पर क्या अपडेट है? शुगर देखिए ये एसेंशियल कमोडिटीज वाली एक आइटम है, और इसके अंदर अक्सर जो शुगर का जो कारोबारी है वो कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी अक्सर नहीं देखते हैं, लेकिन कुल मिला के यदि हम न्यूयॉर्क को देखें, आईसीई के देखें, तो जो चीनी में जुलाई वाला था वहां पे कल 0.49% की बढ़त के साथ 18.64% पर बंद हुआ, और अभी लंदन लंदन चीनी को के में अदर फायदा कल 5.90 डॉलर प्रति टन यानी 1.15% .15% बढ़त के साथ 520.90 डॉलर प्रति टन पर बंद हुआ, और चीनी के अंदर जो उतार चढ़ाव चल रहा है
उसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर जो शुगर के व्यापारी हैं, मुझे लगता है कि वहां पे तेजी हो सकती है। आज यदि हम मोटे तौर पे देखें तो यदि कल के यदि हम बंद भाव देखें तो हरियाणा के अंदर जो शुगर के भाव रहे वो जो सोनीपत के थे शुगर एम 3480 पे रहा था, गुहाना शुगर एम 3480, महम 3490 और ये तकरीबन 3480 से और 3500 के भाव हरियाणा शुगर मिल्स में रहे, चाहे शाहबाद है, पलवल है, यमुनानगर है, इंद्री है, रोहतक है, पानीपत है, करनाल है, करनाल है, कैथल, जींद, महरान, गुहाना, ये सोनीपत के ये 10-12 जो शहर है जो हरियाणा के हैं वहाँ पे 3480 से और 3500 के भाव लगभग रहे। जो करनाल था उसके अंदर शुगर 3467 रहे सबसे न्यूनतम जो भाव थे और अधिकतम भाव यमुनानगर 3500 के और शाहबाद जो है वो 3500 के भाव हैं। तो कुल मिला के चीनी की आगे खपत पॉजिटिव नजर आ रही है और इसके अंदर बिकवाली का मतलब मंदी की संभावनाएं कम है और आने वाले 1 से 10 दिन के बीच में यानी हफ्ते 2 हफ्ते के इसके अंदर अच्छी तेजी बनने की पूरी संभावनाएं बन रही है, इसका विशेष ख्याल रखें। अखिलेश जी आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहता हूं कि आप हमारे जो भी एपिसोड्स हैं उनको ध्यान से सुने और जब हम आपको तेजी की संभावना या मंदी की संभावना कहते हैं उसको ध्यान से समझें क्योंकि ये सारा बाजार जो है संभावनाओं का खेल है। क्योंकि बहुत से दर्शक हमसे सवाल करते हैं सर आपने संभावनाएं बताई, आपने ये नहीं कहा कि 100% होगा, क्योंकि बाजार कभी भी 100% के ऊपर नहीं चलता है। सारी जो भी भविष्य में है चाहे मौसम है चाहे कोई भी है उसमें संभावनाएं हैं और उसको जो व्यापारी है कारोबारी है वो जो समझते हैं इस चीज को उसका वो पूरा लाभ उठाते हैं और जो कारोबारी नहीं है वो इधर उधर की सुनकर ही आगे पीछे करते हैं, वो निश्चित रूप से उनको उनके लिए विशेष शोक होता भी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात की सारी जानकारियां आपको भारतीय सिस्टम इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस भारतीय विश्लेषण पद्धति द्वारा और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, यहीं से कन्हैया जी स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावनाएं बन रही हैं? आपको याद होगा अखिलेश जी कल के जब बाजार बुरी तरह से पिटाई खा रहा था और ये खबर ये कुल मिला के निकल के आई लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा नुकसान निवेशकों को गिरावट में देखा गया और निफ्टी 16,000 से नीचे का स्तर भी देखा गया और इसका प्रमुख कारण यह था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी और जिससे तरलता लिक्विडिटी की सबकी कमी हुई और इसका नतीजा ये रहा कि बाजारों में गिरावट रही और पिछले लगभग 7 महीनों से विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और इसका भी असर बाजारों पर पड़ रहा है। तो कुल मिला के कल जब गिरावट थी तब हमने यही कहा था कि निफ्टी ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसके अंदर छोटा निवेशक मध्यम निवेशक जो है उसमें निवेश करे, कोल इंडिया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों पे नजर रखे तो संभवतः इसके अंदर फायदा रह सकता है। अब निफ्टी के अंदर तेज गिरावट की वजह यह भी रही है कि जब विदेशी निवेशक जो है वो ज्यादातर निफ्टी बेस्ड जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है क्या एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन स्टॉक्स में ही उनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है और म्यूचुअल फंड्स भी आप देखें तो ज्यादातर एक्सपोजर इनको फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही होता है और जब इसके अंदर बिकवाली आती है तो निफ्टी के अंदर सूचकांक है निफ्टी सूचकांक वो नीचे की तरफ दिखाई देता है क्योंकि ज्यादातर वेटेज इन कंपनियों का ही है तो इससे बाजारों में घबराहट पैदा होती है और जो निवेशक है वो भी घबराहट के अंदर अपना माल बेचने के अंदर कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय बाजार संभवतः विश्व में उन चुनिंदा बाजारों में से एक है जहां पर हेजिंग टूल्स अवेलेबल है कि आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद जब ये सारी चीजें परिवर्तन आए 94 के बाद में तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा अपने भारतीय निवेशकों को रहा क्योंकि इसके अंदर काफी हेजिंग टूल्स अवेलेबल है। हेजिंग टूल्स का मतलब ये है कि यदि आपके पास क्वांटिटी में माल है तो उसको आप पुट ऑप्शन खरीद के उसके बाजारों में उसको हेज कर सकते हैं। ये सुविधा भारतीय बाजारों में ये एमसीएक्स पे भी है और ये सुविधा आपके एनएससी और बीएससी पर भी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी शेयर बाजार एक ट्रेडिंग में जोखिम का काम होता है लेकिन समझ के करें तो इसमें नुकसान की संभावना कम होती है। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी।